भीतर अगर बिल्कुल शून्य हो जाए तो दरवाजा खींचकर अंदर चला जाता है। तीसरी आंख खोलने का एक और तरीका यह है कि आप अपने अंदर सब कुछ समा लें। इसे करने का पहला तरीका सबसे अच्छा तरीका है। शिव का सबसे अहम पहलू यह है कि उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोली, उन्होंने सारी चीजें की, वे नाचे, उन्होंने ध्यान किया और दो बार शादी भी की, तमाम चीजें की, बात वो नहीं है, उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोली, इसलिए उन्हें हम आज भी याद करते हैं। उसके लिए आज भी हजारों साल बाद भी हम उनके आगे सिर झुकाते हैं, क्योंकि जानने का कोई विकल्प नहीं है। जानने का विकल्प न होने का मतलब है कि जब तक कि आपका बोध आपके वर्तमान स्तर से आगे नहीं चला जाता, तब तक जानने का कोई तरीका नहीं है। अगर आपके देख पाने की क्षमता अपनी वर्तमान सीमाओं से आगे नहीं जाती, तो जानने का कोई तरीका नहीं है। जानना ही मुक्त होना है। तो शिव हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि वो हिमालय में घूमते थे, इसलिए नहीं क्योंकि वो सांपों के साथ खेलते थे, इसके या उसके लिए भी नहीं, वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोली थी। उन्हें उन चीजों का बोध हुआ जिसका बोध होने में ज्यादातर लोग असफल रहे। मानवता का एक बड़ा हिस्सा जो नहीं देख पाया, वो उनकी सामान्य दृष्टि में था। तीसरी आंख का यही मतलब है। लोग कहते हैं कि जब शिव ने तीसरी आंख खोली तो वो एक प्रचंड प्रक्रिया थी, उसमें से आग निकली। वे इसे आग इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने अपने अंदर की हर वो चीज जला दी जो उनके हिसाब से उनके लिए मायने रखती थी। वो आग का गोला जैसे बन गए, एक भट्टी की तरह उन्होंने अपने भीतर से वो सब जला दिया जिसे जलाया जा सकता था, और फिर उनके शरीर के रोम रोम से पसीने और रक्त की जगह भस्म निकलने लगी। शिव के शरीर पर राख हमेशा इसलिए नहीं दिखाई जाती क्योंकि वे राख लगाते थे, बल्कि उनके शरीर से राख बिखरने लगी थी। ये इस बात का प्रतीक है कि उन्होंने इसे पूरा जला दिया। उन्होंने अज्ञानता का वो एक एक कण जला दिया जिसे लोग सच मानते हैं, उन्होंने उसे जला दिया। क्योंकि उन्होंने सब कुछ जला दिया और सब कुछ राख बन गया, तब तीसरी आंख खोलने से उन्हें वंचित नहीं रखा जा सका। तीसरी आंख खुलने पर लोगों को आग दिखी क्योंकि अंदर सब कुछ जल रहा था। तीसरी आंख को खोलने के दो तरीके हैं। एक तरीका है भीतर अगर बिल्कुल शून्य हो जाए तो दरवाजा खींचकर अंदर चला जाता है और कुदरती तौर पर खुल जाता है। दरवाजा कमजोर होकर अंदर गिर जाता है क्योंकि अंदर कुछ नहीं है। शिव ने न सिर्फ अपने विचार, न सिर्फ अपनी भावना, सिर्फ अपने रिश्ते और चीजें ही नहीं जलाईं, बल्कि उन्होंने अपना वजूद ही जला दिया। एक अलग व्यक्तित्व को पूरी तरह जला दिया और बस पूरा शून्य बचा।
तो दरवाजा अंदर गिरकर खुल गया। तब लोगों को आग दिखी, क्योंकि चीजें अब भी जल रही थी। Another way of opening the third eye is you contain everything inside. तीसरी आँख खोलने का एक और तरीका है कि आप सब कुछ अपने अंदर संभालें, हर चीज को अंदर रोक लें। आपने अपने विचार को बिल्कुल भी जाहिर नहीं किया, अपनी भावना को बिल्कुल भी जाहिर नहीं किया, किसी भी तरह की कोई बात जाहिर नहीं की। आप एक शब्द भी नहीं बोल सके। आप देखेंगे कि अगर आप चार दिन मौन रहें तो पांचवें दिन आप अचानक गाना गाना चाहेंगे। अगर आपको गाना नहीं आता तो जोर से भेड़िए की तरह चिल्लाना चाहेंगे, क्योंकि आप अंदर भरे हुए को खाली करना चाहते हैं। आपने कुछ भी बाहर नहीं जाने दिया तो इतना दबाव बढ़ जाएगा कि ये दरवाजा अंदर से धक्के से खुल जाएगा। ये ऐसे करने का एक और तरीका है। इसे करने का पहला तरीका सबसे अच्छा है, क्योंकि अगर आप दबाव बढ़ाकर इसे खोलेंगे तो ये आज खुल जाएगा और कल शायद फिर बंद हो जाए, या फिर पर्याप्त दबाव बनने से पहले दरवाजा खुल जाता है तो आपके अंदर कुछ और घुस जाता है और आप भाग जाते हैं। क्योंकि जब दबाव इस तरह से बनता है तो अगर आपको इसे थाम कर रखना है तो आपको पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है, तो ये यातना जैसा लगेगा, ये थर्ड डिग्री टॉर्चर लगेगा। अगर आप खुद को पूरी प्रक्रिया से गुजार रहे हैं तो आपका मन जरूर पूछेगा, इस यातना से गुजरने का क्या तुक है, क्योंकि ये काफी बड़ी यातना होगी। एक भी विचार को जाहिर न करना, एक भी भावना को जाहिर न करना, एक भी शब्द नहीं बोलना, किसी भी अपने अंदर उठने वाली एक भी राय को जाहिर न करना, अपने मन की एक भी सोच को जाहिर न करना, ओ, इससे आप कहीं ना कहीं फट सकते हैं। अगर आप हर चीज रोक लेते हैं तो ये खुल जाएगा, वरना आप बौखला जाएंगे। पर आप थोड़े से चालाक हैं, आप बीच का रास्ता चुनते हैं। इसका मतलब है कि आप कहीं पहुंचना नहीं चाहते। जो लोग बीच के रास्ते में विश्वास रखते हैं वो अपने जीवन में कहीं नहीं जाना तय करते हैं। बीच के रास्ते का मतलब है बस आराम का जीवन चुनना, ना ये ना वो। या तो आप बिल्कुल खाली हो जाइए तो खालीपन की ताकत दरवाजा खोल देगी, या फिर आप अपने अंदर दबाव बढ़ाइए तो ये फटकर खुल जाएगा। खोलने के दो तरीके हैं। बीच के रास्ते का मतलब है आप पेशेवर बकवास करने वाले इंसान हैं। वाकई आप पूरे समय बकवास से भरे हैं, पेशेवर नहीं। पेशे का मतलब है कि वे ऐसे हर समय नहीं करते, ठीक है, वे ऐसे दिन में कुछ खास समय तक करते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां जाते हैं, आप अपनी ही चीज करते हैं। बीच का रास्ता एक तरीका है कहीं ना पहुंचने का, और कुछ समय बाद ये सोचना कि ये कहीं नहीं जाता है। अभी आप सड़क पर टहल रहे हैं, अचानक आपको एक बड़ी चट्टान मिली। पार जाने के दो ही रास्ते हैं, या तो इस तरफ या उस तरफ से। इस तरफ शेर गुर्रा रहा है, दूसरी तरफ आग जल रही है। तो आप सोचते हैं कि बीच का रास्ता अच्छा है, यानी चट्टान में घुसना। तो जाहिर है कि आप कहीं नहीं जा पाएंगे, आपकी कुछ देर बस अच्छी कसरत होगी। अगर आप चट्टान में घुसना चाहेंगे तो अच्छी कसरत हो जाएगी, इससे मांसपेशियां काफी अच्छी हो जाएंगी। अगर आप बीच का रास्ता लेते हैं, बात बस इतनी है कि आप कहीं नहीं पहुंचेंगे।